बाइकरों का सफर अब और आसान होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के कोस्टल रोड से इस वक्त हम शो लेकर हाजिर हैं। आपको बता दें कि इस कोस्टल रोड का दूसरा हिस्सा भी आज शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन हुआ मरीन ड्राइव से हाजी अली तक का हिस्सा। रफ्तार से कोस्टल रोड पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 90% काम पूरा हो चुका है और वर्ली तक जोड़ने का भी जो काम है बताया जा रहा है कि 10 जुलाई तक वो पूरा हो सकता है। तो आम मुंबईकरों के लिए कोस्टल रोड का ये दूसरा हिस्सा आज से खोला जा चुका है। किस तरीके से उद्घाटन हुआ, तस्वीरें आज खास रही, दिखाते हैं आपको पारस धामा की इस रिपोर्ट में। मरीन ड्राइव से शुरू होने वाली दूसरी भूमिगत सुरंग उत्तर दिशा में यातायात के लिए आज से शुरू कर दी गई है। मरीन ड्राइव से हाजी अली तक 6.25 किलोमीटर की सुरंग पार करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और पेडर रोड और वर्ली बांद्रा की ओर जाने वाले ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए कोई पैसा भी लोगों को नहीं देना होगा, ये बिल्कुल ही निशुल्क है। इस टनल से मरीन ड्राइव से उत्तर की ओर भुलाभाई देसाई मार्ग, बैरिस्टर रजनी पटेल चौक, लोटस जटी और हाजी अली चौक तक यात्रा करना संभव होगा। ये टनल हफ्ते में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक यानी कुल 16 घंटे खुली रहेगी। शनिवार और रविवार को रखरखाव के लिए इसे बंद रखा जाएगा। दक्षिण मुंबई को वर्ली से जोड़ने वाली 10.58 किलोमीटर की लंबी तटीय सड़क 8 लेन की है, लेकिन सुरंग में 6 लेन है। बसों के लिए एक अलग लेन है। इस सड़क पर 2 सुरंग है जिसका निर्माण प्रियदर्शनी पार्क और गिरगांव चौपाटी के बीच किया जा रहा है। इसमें 4.35 किलोमीटर लंबी सड़क और 2.19 किलोमीटर पुल भी शामिल है। दक्षिण की ओर जाने वाली सुरंग की खुदाई जनवरी 2021 में शुरू हुई और जनवरी 2022 में समाप्त हुई थी। बीएमसी की तरफ से लगातार कोस्टल रोड का काम किया जा रहा है। बीएमसी 10 जुलाई तक विद्यु माधव ठाकरे चौक तक के चरण को खोलने की भी कोशिश कर रही है ताकि मुंबई तटीय सड़क परियोजना के जरिए उत्तर की यात्रा करना आसान हो सके। आज जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड का एक टनल 9 किलोमीटर का वरली से जो वहां जाता है मुंबई की तरफ वो खोल दिया था। ये दूसरा टप्पा, दूसरा फेज है 6.25 किलोमीटर का। ये अपना हाजी अली और अमरसंस वो यहाँ ओपन हो जाएगा और जुलाई महीने में वो वरली तक ओपन हो जाएगा। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये टनल किया है, ये कोस्टल हाईवे किया है। 40 से 50 मिनट पहले लगते थे, अभी केवल 8 मिनट में ये जो प्रवास है हो जाएगा। मुंबई में यात्रा करना सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर आप लोकल ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ भी लोगों की भारी भीड़ मिलती है, और अगर आप रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, सड़क से यात्रा कर रहे हैं, तो भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और हर रोज मुंबईकर इस भारी ट्रैफिक में घंटों घंटों तक फंसे रहते हैं। मुंबई में जब से सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कोस्टल रोड की शुरुआत हुई है, तब से जो लोग मरीन लाइन से यात्रा करते हैं या फिर हाजी अली से मरीन लाइन तक आते हैं, उनके लिए सुविधा जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब इस रास्ते पर जो अंडरग्राउंड टनल है दूसरा, उसको भी कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज इस टनल का उद्घाटन कर लिया गया है। तकरीबन 1 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचेंगे, इसको पूर्ण तरीके से जांचेंगे। प्रशिक्षित इंजीनियर्स की टीम भी यहां पर पहुंचेगी और इस पूरे अंडरग्राउंड टनल को जांचेगी, परखेगी, और उसके बाद कल से आम मुंबईकर के लिए ये पूरा अंडरग्राउंड टनल जो है वो खोल दिया जाएगा। तकरीबन 6.5 किलोमीटर का ये पूरा अंडरग्राउंड टनल है, सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं अगर तैयारियां देखें तो फूल के साथ इस पूरे एंट्रेंस को सजाया गया है। वहीं ये रास्ता जो है वो मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट से लेके हाजी अली तक जाता है। अगर अमूमन आम रास्ते से आप देखें तो तकरीबन आधे पौने घंटे का समय लग जाता है लोगों को मरीन लाइन से हाजी अली तक, वर्ली तक जाने के लिए। अब ये दूसरा अंडरग्राउंड टनल भी आम मुंबईकरों के लिए कल से खोल दिया जाएगा। एक टनल जो है वो हाजी अली से सीधा प्रिंसेस स्ट्रीट आता है यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं मरीन ड्राइव पे। अब ये टनल जो है वो मरीन ड्राइव से सीधा हाजी अली तक जाएगा, जिससे लोगों की यात्रा का समय बेहद ज़्यादा कम हो जाएगा। तकरीबन
5 से 10 मिनट का समय लगेगा 6.5 किलोमीटर के रास्ते को काटने के लिए। अमूमन आम ट्रैफिक के दिनों में जब आम रास्ता मुंबई कर लेते थे तो मुंबई के मरीन ड्राइव प्रिंसेस स्ट्रीट इलाके से हाजी अली तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता था। इस अंडरग्राउंड टनल को खोलने के बाद मुंबईकर की यात्रा और भी ज़्यादा सुगम हो जाएगी और आसानी से वे अपने अपने स्थानों पर आरामदायक सफ़र कर पाएंगे और आराम से पहुंच पाएंगे। कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया, मुंबई। और अब आइए मराठा आंदोलन की बात करते हैं। मराठा आरक्षण को लेकर इस आंदोलन के नेता मनोज अरांगे पाटिल ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में जो मराठवाड़ा की 8 सीटें हैं उस पर बड़ा नुकसान हुआ। महायुति को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल पाई क्योंकि मराठा वोटर जो है यहाँ पर बड़ा फैक्टर साबित हुए। पारस धामा की रिपोर्ट देखिए। मराठा नेता मनोज अरांगे पाटिल चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में है। उनकी मांगे ना मानी गई तो वो विधानसभा की सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। सरकारला ही सांगने की आमचे ठरले, हमने लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है। अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो 5 से 6 पिछड़ी जातियां राज्य चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन पिछड़े समुदायों से उम्मीदवारों को मैदान में उतारूंगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को खुले तौर पर नाम देकर हराऊंगा। विधानसभा लड़ावे लगना रहे। मनोज अरांगे पाटिल इस बात से नाराज हैं कि अब तक सरकार की तरफ से उनसे मिलने कोई भी नहीं आया है। जानबूझकर सरकार से कोई मिलने नहीं आ रहा है और मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं विधानसभा में लड़ने जा रहा हूं। विधायक रोहित पवार का कहना है कि मनोज अरांगे पाटिल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो आंदोलन के जरिए मराठा समाज को आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो जाती है तब तक आरक्षण दे पाना कैसे संभव है। हम सबका क्या कहना है कि अगर कोई भी आरक्षण अगर टिकाना है तो 50% के आगे हमको जाना पड़ेगा। वो राज्य सरकार तो नहीं करेगी, वो करेगी तो केंद्र सरकार करेगी। तो अभी हम जो हमारे खासदार हैं उनको विनती करेंगे कि अभी अपना आंकड़ा बड़ा है तो वहाँ पे जाके मराठा आरक्षण हो, वैसे लिंगायत आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो, ये अगर आरक्षण हमको देना है और वो कोर्ट में टिकाना है तो हमको 50% के आगे घटना दुरुस्ती करने के बाद ही वो हम कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार कर सकता है। तो इस विषय पे पार्टी करके हम वो प्रयास करेंगे। और अरांगे पाटिल साहब वो सामाजिक कार्य करते हैं, वो खुद का निर्णय खुद लेते हैं, उस निर्णय के बारे में हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। इस साल के लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने महायुति को पूर्ण तरीके से नकार दिया। इसका सबसे बड़ा कारण रहा मनोज अरांगे पाटिल द्वारा किया गया मराठा आरक्षण आंदोलन। अब देखना ये होगा कि अपनी पिछली गलतियों से महायुति के नेता कुछ सीखते हैं या पुरानी गलतियां वापस दोहराते हैं। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया, मुंबई। और अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाते हैं जहां की बलौदा बाजार में भयंकर बवाल हुआ। सतनामी समाज का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने SP कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी और खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई और कई लोग घायल हो गए। बलौदा बाजार में जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में सतनामी समाज के हजारों लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी इमारतों पर चढ़ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भी उन्होंने तोड़फोड़ की। पथराव के दौरान पुलिसकर्मी खुद की जान बचाकर कार्यालयों में छिपे रहे। सतनामी समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो असली अपराधी हैं ही नहीं। और राजधानी दिल्ली की बात करते हैं जहां जल संकट गहराता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिमाचल प्रदेश से जो पानी आना था वो नहीं आया है, उल्टा हरियाणा से जो पानी आता था वो तय मात्रा से कम पहुंच रहा है। शरद शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं दिल्ली के वजीराबाद बैराज पर हूं। दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर बने इस बैराज के पानी से 131 MGD का वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलता है जिससे बहुत से लोगों की प्यास बुझती है। दिल्ली में इस समय बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और यमुना में इस समय पानी का जो स्तर है वो भी काफ़ी गिरा हुआ है। 674.5 फीट के आसपास सामान्य तौर पर यहाँ पर पानी का स्तर रहता है लेकिन इस समय 669.4
फीट की पानी का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ से 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना था। हरियाणा के जरिए ये पानी यमुना नदी में वजीराबाद बैराज तक आना था, लेकिन अभी तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की तरफ से छोड़े हुए पानी के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के जरिए जो पानी दिल्ली आना था वो तो आया ही नहीं, उल्टा मुनक नहर के जरिए जो पानी दिल्ली आता है उसमें भी गिरावट आ गई है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल से लगभग एक घंटे इस बारे में बैठक की। आतिशी ने कहा कि मुनक नहर से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना होता है, लेकिन दिल्ली को 850 क्यूसेक के आसपास ही मिल रहा है। दिल्ली के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा की मुनक नहर से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं। एलजी ने कहा हरियाणा की तरफ से 1050 क्यूसेक के कोटे की जगह 1161 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन नहर की मरम्मत ना कराने और टैंकरों द्वारा पानी चोरी करने के चलते 200 क्यूसेक पानी का नुकसान हो रहा है। एलजी ने आश्वासन दिया कि वो पानी की सप्लाई के मुद्दे पर हरियाणा से बात करेंगे और मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी देने का निवेदन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हरियाणा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली वालों का पानी रोक रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। हरियाणा सरकार क्या करती है, उन्होंने जो दूसरे चैनल से 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलता था उसमें भी 200 क्यूसेक कम कर दिया, तो ये बेहद गलत है। हरियाणा सरकार को हरियाणा के लोगों से सीखना चाहिए वो कितने बड़े दिल के होते हैं, और ऐसी गंदी राजनीति हरियाणा सरकार भाजपा की सरकार को बंद कर देनी चाहिए। जितना पानी वेस्ट हो रहा है कैनाल से, मुनक से जो चलता है पानी और दिल्ली जब आ रहा है दिल्ली को, और वहाँ वाटर टैंकर लाइन लगा के वाटर चोरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये आतिशी को मालूम है, इनके विधायकों को मालूम है, क्योंकि ये सब इसमें लिप्त हैं, चोरी करते हैं। हाँ या ना कहेंगे तो हम फोटोग्राफ भी रिलीज करेंगे। ये दिल्ली सरकार की साजिश है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, चोरी करना है, और अब क्योंकि दिल्ली गर्मी से बेहाल है, पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रही है, तो इस तरह के झूठे प्रदर्शन करके ये सिर्फ अपनी बची साख बचाने की कोशिश करें जो ऑलरेडी धूमिल हो चुकी है। यानी दिल्ली में बेतहाशा गर्मी के बीच पानी संकट गहरा रहा है। फिलहाल या तो मौसम मेहरबान हो जाए या फिर दिल्ली और हरियाणा की बात बन जाए, दोनों में से कुछ एक भी हो जाए तो दिल्ली और दिल्ली वालों को राहत मिल जाए। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। मैच में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के बाद किस तरह से सोशल मीडिया गुलजार हुआ, दिलचस्प रिएक्शंस आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये तस्वीरें आपके सामने हम रख जाते हैं। मॉनसून का आगमन हो चुका है तय समय से दो दिन पहले ही, और झमाझम बारिश इस वक्त देखें मुंबई में हो रही है। अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मुंबई समेत कुछ और हिस्सों के लिए। तो शो में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहे NDTV इंडिया। नमस्कार।